तो आप देख सकते हो यही है बुक हुआ, जब पहले ज़माने में राजा राजा के जो राजा से जो गद्दारी किया करते थे वो आकर अपने सैनिकों से इस कुएं में ढकलवा दिया करते थे। देख सकते हो दोस्तों आप, नहीं तो आप ये गुप्त रास्ता देख सकते हो, ये भी गुप्त रास्ता है एक, जब इसी से पहले सैनिक ही आया करते थे इस कुएं में, जब गद्दार को लेके आया करते तो इसी रास्ते से आया करते थे। ये भी रास्ता काफ़ी अंदर तक गया है दोस्तों, अभी तो अभी की डेट में बंद हो चुका है। दोस्तों कैसे हो सभी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपको लेके आ चुका हूँ रतवाई गांव में रतवाई फोर्ट। दोस्तों ये फोर्ट आप देख सकते हो मेरे साथ पीछे की साइड, ये रतवाई फोर्ट है, इसको रतवाई की घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस किले को राजा रतन सिंह ने, तो इस किले को 15वीं सदी में बनवाया था राजा रतन देव ने। तो दोस्तों ऐसा काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं आपको, चलिए आइए दोस्तों। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से 65 किलोमीटर की दूरी पर रतवाई गांव मौजूद है। इस गांव में रतवाई किला मौजूद है। रतवाई के मार्ग पर काफ़ी पहाड़ियां स्थित हैं। रतवाई किले का इतिहास काफ़ी प्राचीन बताया जाता है। पूर्व में सोहना कस्बे को रतवाई के नाम से जाना जाता है। बेहद मजबूत व पुराना किला, करीब 500 वर्ष पुराना बताया जाता है, जो इतिहास के अध्यायों को खुद में समेटे हुए है। बताया जाता है कि जब राजा रतन सिंह ने फुलवा का अपहरण करके अपनी रानी बनाया था, तब किले का निर्माण करवाया गया था। पूर्व में राजा महाराजाओं का निवास रहा है। ऐतिहासिक प्राचीन किला वर्तमान में खंडर हालत में पहुंच गया है। इस किले को राजा रतन सिंह ने 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था। दोस्तों आइए हमारे साथ और चलते हैं इसके अंदर। इसके अंदर काफ़ी कांटे हैं, देख सकते हो दोस्तों। ये द्वार है, ये पहले ज़माने में प्रवेश द्वार हुआ करता था। तो आइए अंदर दोस्तों, आप अंदर की साइड आओगे तो आपको गेट के देख सकते हो ऊपर हॉल टाइप की दिखाई देंगे। तो ऐसा लगता है दोस्तों पहले ज़माने में यहाँ पे गेट हुआ करता था। दोस्तों आइए चलते हैं अंदर। दोस्तों अंदर आइए आप, तो आपको एक हम आमने सामने की तरफ दो रूम दिखाते हैं। ये रूम्स पहले के ज़माने के ही हैं दोस्तों, राजा रतन देव थे उसी के समय के रूम बने हुए हैं। और दोस्तों पहले इन रूमों में सैनिक बैठा करते थे और किले की सुरक्षा किया करते थे। तो आइए दोस्तों अंदर। दोस्तों आप अंदर आते ही आपकी निगाह सामने दीवार पे पड़ी होगी। दोस्तों देख सकते हो आप, यहाँ पे भी कुछ हॉल टाइप के बने हुए हैं। ये पूरे हॉल जो पहले ज़माने में जब ये दो सैनिक लगा करते थे गेट पर, उनको मारकर जब कोई दूसरे किले से इस किले पे हमला करने के लिए आया करता था, दोस्तों इस दीवार से चढ़कर वो ऊपर जाता था, तो इस छेदों में से वो गर्म पानी फेंक दिया करते थे, इसलिए दुश्मनों वहाँ से गिर पड़ते थे। दोस्तों आइए अंदर, अंदर भी हम आपको दूसरे सेकेंड नंबर गेट से अंदर ले चलते हैं। देख सकते हो दोस्तों आप, ये सेकेंड नंबर का गेट है, यहाँ पे भी पहले ज़माने में गेट हुआ करता था, तो अबे की डेट में ये गेट टूट चुका है। देख सकते हो दोस्तों आइए अंदर, और इन सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं और ऊपर का भी कुछ व्यू आपको दिखाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो रूम टाइप के बने हुए हैं, यहाँ पे भी पहले सैनिक हुआ करते थे और ये हॉल टाइप के हैं, इधर से देखा वाली किया करते थे, कोई दीवार पे चढ़ तो नहीं रहा। तो आइए दोस्तों अंदर, तो आइए अंदर की साइड, और हम आपको देख सकते हो दोस्तों एक छतरी टाइप की डली हुई है। ये छतरी तो अभी मौजूद है, बिल्कुल आधी टूट चुकी है, आधी मौजूद है। चलते अंदर की साइड, और दोस्तों देख सकते हो इस अलमारी में किसी ने खोदा खादी की है।
खजाने के चक्कर में। देख सकते हो दोस्तों आप, दोस्तों पहले जमाने में अलमारी बनाई गई थी। ये पहले दीपक या पहले लकड़ी के जो चलते थे आग जलाने के लिए, उससे रोशनी हुआ करती, उसके लिए है ये। दोस्तों चलते हैं इधर की साइड, दोस्तों इधर से रास्ता। तो दोस्तों आइए ऊपर चलते हम, और आपको ऊपर से भी इस किले का व्यू दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे पहले ही देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे राजा के जो गुप्त कमरे हुआ करते थे वो पहले थे, अब की डेट में ये बंद हो चुके हैं। देख सकते हो दोस्तों काफी मिट्टी भर चुकी है इनमें। दोस्तों चलते हैं, उधर चलते हैं। ये ले रहे ये। तो आइए दोस्तों हम ले चलते हैं आपको ऊपर, और ऊपर का भी व्यू दिखाते हैं। देख सकते हो दोस्तों पहले समय पे यहाँ पे कुछ रूम बनाए गए थे, दोस्तों अब के डेट में ये पूरे टूट के पत्थर में बिखर चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये पत्थर पत्थर समेट कर बिखर गए हैं ये कुछ कमरे। दोस्तों पहले ज़माने में ये राजा का बेडरूम हुआ करता था, और दोस्तों इसके नीचे कुछ कमरे बने हुए हैं गुप्त, उनमें पहले राजा अपना खजाना रखा करते थे। तो दोस्तों आइए वहाँ पे भी एक कमरा है, वो भी हम आपको अंदर जाके दिखा देते हैं। दोस्तों काफ़ी सारा देख सकते हो दोस्तों, ये है पहले ज़माने का गुप्त रास्ता, इसी में से सारे कमरों में घूमकर आते थे राजा। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर पेड़ लग चुके हैं, इसलिए ये रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। देख सकते हो दोस्तों यहाँ से आप, ये गुप्त रास्ता नीचे जाने का, इसी में से पहले राजा जो अपना खजाना रखा करते थे उन कमरों में जाया करते थे। दोस्तों चलते हैं उधर, और आपको राजा का जो सिंहासन है वो भी दिखाते हैं हम आपको। दोस्तों इस किले में टोटल 4 बुर्ज बनाए गए थे। दोस्तों आज की डेट में ये पूरे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पूरे टूटने की हालत में हैं। और दोस्तों इन 4 बुर्जों में पहले जो मैन सैनिक हुआ करते राजा के वो खड़े हुआ करते थे, और इन बुर्जों में से पूरे गांव का नज़ारा दिखता था, और दोस्तों रक्षा करते थे। चलते हैं उधर, और आपको सिंहासन भी दिखाते हैं हम राजा का। दोस्तों आइए,
दोस्तों आइए हमारे पीछे। दोस्तों आइए हमारे साथ और हम आपको ले चलते हैं, वो रूम दिख रहा है उसमें। दोस्तों काफी यहाँ पे जेट हो चुका है, देख सकते हो काफी घास फूस लगी हुई है। तो दोस्तों हम यहाँ से बता देते हैं आपको, ये राजा का पहले जमाने में सिंहासन हुआ करता था और यहाँ पे प्रजा बैठा करती थी, और राजा के कुछ मेन आदमी हुआ करते थे वो यहाँ पे बैठा करते थे, और जो राजा प्रजा आया करती थी राजा के संदेश बताने के लिए, तो आप राजा को संदेश दिया करती थी और राजा उसकी समस्या का हल किया करता था। तो दोस्तों आइए चलते उधर की साइड और पीछे का व्यू दिखा देते हैं हम आपको। दोस्तों जब इस किले पे अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा था तभी से एक किला पूरा मिट्टी में ढेर हो चुका है, और इसमें कुछ कमरे बचे हुए हैं वो हमने आपको इस वीडियो में दिखा दिए हैं। दोस्तों आइए हम आपको पहले जमाने में जो राजाओं के और मंत्रियों के घोड़े बना करते थे उनके जो हस्तबल हुआ करते थे वो दिखाते हैं। देख सकते हो दोस्तों आप, यहाँ पे आपको चार हस्तबल दिखाई दे रहे होंगे। पहले ज़माने में इन्हीं हस्तबलों में राजा और मंत्रियों को घोड़े बना करते थे, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों। तो आइए अंदर अंदर का भी व्यू दिखा देते हैं आपको। दोस्तों काफ़ी पेड़ पौधे हो चुके हैं इसमें। और दोस्तों देख सकते हो इनकी छत पूरी तरह से टूट चुकी है और उनके छतों पे पिलर लगे हुए हैं, वो सिर्फ पिलर रह गए हैं जैसा कि आप देख सकते हो, और काफ़ी पेड़ पौधे हैं इसमें। दोस्तों चलते हैं आगे की साइड और आपको आगे का भी व्यू दिखाते हैं। दोस्तों आइए हमारे पीछे, हम आपको जो पहले ज़माने में राजा जब किले हारने की कोशिश में रहा करते थे तो उस रास्ते से भागा करते थे, वो भी रास्ता हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हो आपको ये गेट टाइप का दिखाई दे रहा होगा। जब पहले ज़माने में इस किले पे अंग्रेज़ों का प्रभाव पड़ता था और दोस्तों राजा को एक ऐसा महसूस होता था कि हम इस किले को हारने वाले हैं, दोस्तों उसी समय राजा इस पीछे वाले रास्ते से भागकर इस किले छोड़कर भाग जाते थे। दोस्तों आइए देख सकते हो आप, ये रास्ता है वो जिससे पहले राजा भागा करते थे, और अब तो दोस्तों ये पूरा खुला डला हुआ है, इधर से रास्ता गया है मेन रोड के लिए। दोस्तों आइए हमारे साथ, हम आपको ऐसे कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम खूनी कुआ है। और दोस्तों ये कुआ एक गुफा के अंदर बना हुआ है। जब पहले ज़माने में जब राजा हुआ करते थे, जब राजा को गद्दार हुआ करते थे तो गद्दारों को इस कुएं में ढकेल दिया करते थे, इसी से इस कुएं का नाम खूनी कुआ रख दिया गया है।
अंदर पेड़ वाला। आइए दोस्तों चलते अंदर। आगे आ जा, चिमका रहे। शिमला बहुत है, बहुत अच्छा है। दोस्तों देख सकते हो आप, इसी गुफा के अंदर जब पहले राजा हुआ करते थे, जब राजा के मैन सैनिक हुआ करते थे, तो गद्दारों को इस गुफा के अंदर लाकर इस कुएं में ढकेल दिया करते थे। देख सकते हो दोस्तों आप, यही है वो कुआ। चलो दोस्तों आप देख सकते हो, यही है वो कुआ जब पहले जमाने में राजा से जो गद्दारी किया करते थे, वो आकर अपने सैनिकों से इस कुएं में ढकलवा दिया करते थे। देख सकते हो दोस्तों आप, नजदीक जाके नहीं देख सकते दोस्तों, चमगादड़ बहुत हैं। दोस्तों जहां से देख सकते हो आप, इसी को बोला जाता है खूनी कुआ। देख सकते हैं दोस्तों आप, यह है खूनी कुआ। तो चलते हैं दोस्तों बाहर। तो आप ये गुप्त रास्ता देख सकते हो, ये भी गुप्त रास्ता है एक, जब इसी से पहले सैनिक ही आया करते थे इस कुएं में, जब गद्दार को लेके आया करते थे तो इसी रास्ते से आया करते थे। ये भी रास्ता काफी अंदर तक गया है दोस्तों, अभी की डेट में बंद हो चुका है, देख सकते हो आप। दोस्तों चलते हैं बाहर। दोस्तों यही था जो गुप्त रास्ता। तो पहले जमाने में लोग जो राजा के सैनिक हुआ करते थे, मैन सैनिक, वो उस गुप्त रास्ते से आया करते थे और अपने जो गद्दार हुआ करते थे, उस गद्दार को इस कुएं में फेंक दिया करते थे। और दोस्तों इस दोस्तों हम ले चलते हैं आपको राजा के जो पहले जमाने में शाही हमाम खाने हुआ करते थे, वो दिखाने के लिए ले चलते हैं। तो चलते हैं आगे की साइड। तो आइए हमारे साथ और हम आपको तो आपको पहले के राजाओं के हमाम खाने हुआ करते थे वो दिखा देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो, ये है पहले राजा प्रजाओं के हमाम खाने। इन हमाम खानों में राजा प्रजा आते थे। और दोस्तों आप हमको सैनिक के भी हमाम खाने दिखा देते हैं। जो सैनिक के हमाम खाने हुआ करते थे वो बुर्जों में ही हुआ करते थे। दोस्तों आइए हमारे साथ। आप देख सकते हो, ये है बुर्ज। इस बुर्ज में काफी कांटे कूटे हैं, देख सकते हो दोस्तों। ये है सैनिक, मैन सैनिक का बुर्ज। यहाँ पे पूरे गांव का रखवाली किया करता था और पूरे किले को भी देख रेख किया करता था। यहाँ से पूरा नजारा दिख दिया करता था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।